हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्कॉटिश हाइलैंड्स के सफर को जारी रखते हुए आज हम लॉकनेस देखने जाएंगे। लॉकनेस ये ग्रैंड टाउन ऑन स्पेन जहां हम रह रहे थे वहां से 45 माइल्स दूर है। ये लॉकनेस है, इन्वरनेस सिटी से 8 माइल्स आगे है। हमने यहाँ क्रूज टूर ली थी जिसका पिकअप पॉइंट जैकोबाइट क्लैंसमन हार्बर से था। यहीं पर आगे 5 माइल्स की दूरी पर ड्रम रॉकेट नाम के गांव में लॉकनेस का एग्जीबिशन सेंटर है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ हमने क्रूज टूर के बुकिंग पासेस लिए। क्रूज टूर की अधिक जानकारी के लिए मैंने जैकोबाइट का वेबसाइट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। कितना खूबसूरत है ये लेक, इसमें आकाश और बादल का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग स्कॉटिश अटायर में आए हैं। जैकोबाइट क्रूज के समय के हिसाब से अलग अलग टूर पैकेजेस हैं। हमने 50 मिनट का टूर लिया था। हम यहाँ शाम के 4 बजे आए थे। लॉकनेस ये एक बड़ी झील है। स्कॉटिश भाषा में लेक को लॉक कहते हैं और ये लेक यहाँ की नेस नदी के पानी से बना है, इसलिए इसे लॉकनेस नाम है। Around the decks are a number of life points. Some have lights or lights. Should anyone fall overboard, throw one in their direction and call man overboard as loud as possible. We have a life jacket for everyone on board. क्रूज शुरू होते ही क्रूज होस्टेस ने सुरक्षा निर्देश देना शुरू कर दिया और इसके बाद लॉकनेस के बारे में जानकारी देने लगे। हम जानकारी सुनते हुए बेहतरीन दृश्यों का और क्रूज के कारण
पानी में जो तेज लहरें उठ रही थी उनका आनंद ले रहे थे। कैसे है ये नजारे, है ना खूबसूरत? हवा बहुत तेज थी। बस चारों ओर देखते रहे ऐसा लग रहा था। लॉकनेस ये स्कॉटिश हाइलैंड्स में लगभग 23 माइल्स मतलब 37 किलोमीटर तक फैली एक बड़ी मीठे पानी की झील है। लॉकनेस ये स्कॉटिश लॉक्स मतलब लेक्स में दूसरा सबसे लंबा और गहरा लेक है। लॉकनेस ये एक और बात के लिए फेमस है, वो है यहाँ का कथित जानवर लॉकनेस मॉन्स्टर, जिसे यहाँ देसी के नाम से जाना जाता है, हालांकि उसका अस्तित्व पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। इस क्रूज टूर में हमें अर्क्वाट कैसल भी क्रूज में से दिखाया जाता है और उसके इतिहास के बारे में अधिक जानकारी दी जाती है। इस कैसल का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ और ये 16वीं शताब्दी तक बहुत बार हुए हमलों की वजह से अब एक खंडर के रूप में खड़ा है। स्कॉटलैंड के आजादी की लड़ाइयों में इस किले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
अभी तक आपने मेरे चैनल ट्रैवल एनजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। लॉक नेस ये स्कॉटिश हाइलैंड्स का जाना माना पर्यटन स्थल है। अप्रैल से सितंबर तक बहुत सारे पर्यटक इस क्रूज टूर और लॉक नेस की नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लेने यहाँ आते हैं। यहाँ टेबल्स पर लॉक नेस और इसके आसपास के जगहों के बारे में जानकारी दी है। क्रूज के अंदर इस तरह बड़ी विंडोज दी है जहाँ से आप अंदर बैठकर बाहर के खूबसूरत लुभावने दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर हमारे सफर की एक्साइटिंग रील्स शेयर करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारी क्रूज टूर पूरी होने के बाद हमने यहाँ के सोवेनियर शॉप में थोड़ा वक्त गुजारा और फिर अर्कॉट कैसल देखने के लिए निकल पड़े। अर्कॉट कैसल शाम 6 बजे तक खुला रहता है और हम यहाँ पहुंचे तब शाम के 6 बज गए थे, तो इसलिए हम कैसल अंदर से नहीं देख पाए। कैसल देखने के लिए एंट्री फीस है। हमने कैसल बाहर रोड के फुटपाथ से देखा। इस कैसल के यहाँ हमने एक बड़ा
पत्थर फेंकने का हथियार भी देखा। उसके बाद हम थोड़ी देर लॉक नेस का खूबसूरत दृश्य देखने के लिए यहाँ रुके। हमारे स्कॉटिश हाइलैंड्स के सफर को जारी रखते हुए ऐसी ही एक और प्राकृतिक सुंदरता से भरी जगह के बारे में जानकारी लेकर स्कॉटलैंड के अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।